गीता लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में तिल के गुड़ के लड्डू, तिल और गुड़ के लड्डू। इसके लिए जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले वो दिखा देते हैं। ये हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है, ये कटोरी तिल, ये सौंठ और ये घी। आज हम बहुत ही कम सामान के साथ आपको गुड़ के लड्डू बनाना बताएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पे इसको जला के इसमें सबसे पहले तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको बस 2-3 मिनट रोस्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने रोस्ट कर लिया है। इसको बस हमें हल्का सा ही भूनना है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। इसी सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालते हैं। इसको हमें घी में ही बनाना है, घी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। इनको मैट हो जाने देते हैं और इसमें हमने जो गुड़ दिया है ये डाल देते हैं। बस हमें इसे इतना पकाना है कि ये केवल मैट हो जाए, ज़्यादा देर हमको इसको फलाना नहीं है, सिर्फ गुड़ के मैट होने तक हमको इसको पकाना है। गैस को थोड़ा धीमे कर देते हैं और धीमी आँच पे इसको पिघलने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये गुड़ हमारा पिघल गया है, मेल्ट हो गया है अच्छी तरह। अब इसी बीच में हम ये सौंठ डाल देते हैं। सौंठ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, सर्दियों में सौंठ हमें खानी भी चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। और बस गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होना देंगे। बस ये तिल जो है हमारी ठंडी हो चुकी है, इसमें भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। करने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, इसको हमने प्लेट में कर लिया था जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। अब ये हमारा जिस टाइम ठंडा हो चुका है, इसको हम हाथ से थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, ऐसे करके गोल लड्डू ऐसे करके बना लेंगे। इसको चाहें तो हम बर्फी के शेप में भी जमा सकते हैं, तो मन चाहे शेप में छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो वैसे लड्डू बना लेंगे। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, लड्डू हमारे बनके तैयार हैं। ये देखिए, चाहे तो आप इसे लड्डू या बर्फी किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।